देखो, कैपिटल वेस्टिंग का मुझे नहीं मालूम कि यहाँ आपको कितना आता है, जो नए बच्चे उनके लिए बात कर। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट कर रहा है। अब देखो, कैपिटल वेस्टिंग में हमारा कितना टाइम गया आप भी जानते। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 वीक से पहले खत्म करना है। लेवरेज वो भी 1 वीक से पहले पहले हो जाएगा, 3-4 क्लासेस से। और उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर है, वो भी 3-4 क्लासेस में वो भी खत्म हो जाएगा। तो जो लगेगा टाइम वो लगेगा कि रेशियो एनालिसिस और एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। जो टारगेट है वो नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा आराम से, 15 दिन में। तो दोनों की दोनों मतलब 15 अगस्त तक हो जाना चाहिए हमारा सिलेबस, ठीक है? और नहीं हुआ तो फिर आपको कौन सा अगस्त में पेपर देना है, नवंबर देना है? कोई स्टार्ट करें कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? पांच नंबर का या तो एक क्वेश्चन चिपकाएगा जो कंपलसरी है, 1A 1B 1C 1D में से, या तो वो 10-10 नंबर का क्वेश्चन, अगर बड़ा भी क्वेश्चन आया तो 2, 3, 4, 5 इसमें से क्वेश्चन है। इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, सुनोगे ध्यान से? आपको पैसों की जरूरत है और आपके सामने दो बैंक, ठीक? और सर कितने रुपए की जरूरत है? करीब करीब हमको 1 लाख रुपए की जरूरत है। इसका नाम है बैंक ए, इसका नाम है बैंक बी। ये कहती है हम इंटरेस्ट लेंगे 10%, ये कहती है हम इंटरेस्ट लेंगे 12%। किस बैंक से पैसे उधार लोगे? आराम से सोच के जवाब दो, इतना 11-12th नहीं है कि पूछो और जवाब दे दी, तो समझ के जवाब दे दो। फिर से बोल रहा, कितने रुपए चाहिए? 1 लाख। इस बैंक के पास गया तो 10% इंटरेस्ट लेगा, और इस बैंक के पास गया तो बोले नहीं 10 नहीं 12% इंटरेस्ट है। बस अभी तक इतना स्टेटमेंट, 10% सिंपल, कोई भी बता दे 10%। सही है, सही है। हाँ लेकिन अब अभी 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 सुनो, और एक पिक्चर अभी मैंने बताया नहीं, कहां से उधार लोगे? यहां से। ये बैंक बोलती है सुनो ना, एक बात सुनो कि देखो हमारे यहाँ ना प्रोसेसिंग फीस लगती है। प्रोसेसिंग फीस समझते हो ना? कब लगता है? जब लोन लेते हो उसी समय लग जाते है, ठीक? तो बोले प्रोसेसिंग फीस हमारा 8,000 रुपये लगता है सर। मतलब 1 लाख पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 92,000 मिलेगा। तो अब बताइए, और बोले रेट तो 10% ही है, और यहाँ रेट कितना है? 12%। अब बताइए कौन सी बैंक से उधार लोगे? उसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। बोले नहीं पूरा की पूरा 1 लाख। बस इतना बता दो, कैलकुलेटर उठाकर कर क्या रहे हो? हाँ और यहाँ तो 92,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? 1 लाख पे देना पड़ेगा, ठीक है ना? मैं पूछ रहा हूँ ना भाई, कितने साल तक? ये बोलना, हम इतना झंझट में नहीं बढ़ते। हम लोग क्या करते, हम लोग कहते भाई नहीं बात सही है, अगर आप कैलकुलेशन और कॉमन सेंस करो तो ऐसे यूज करेंगे। हम कहते यार 1 लाख पे 12% जा रहा है, परसेंटेज में बोलो 12। यहाँ जेब में कितना आया? जेब में 92, और 92,000 पे कितना जाएगा हर साल? हर साल कितना है? 10,000। यहाँ भी 10,000 देना है और यहाँ 12,000 देना है, पर ये 12,000 तो पूरे 1 लाख पे दे रहे हैं,
और ये जो दे रहा है 10,000 वो किस पे दे रहा है 92, तो इफेक्टिव परसेंटेज निकालते, इफेक्टिव समझते हो ना आप लोग, इफेक्टिव सर 92,000 पर हमको हर साल देना है 10,000 × 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा 10.87%। अब वो कितने भी साल तक चलता रहा। एक्चुअल में ये क्या चीज है, 10% क्या था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये क्या चीज निकाला आपने, इफेक्टिव, इसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बस इसमें कुछ चीजें होती है, हम इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं बोल सकते, याद है कैपिटल बस्टिंग किया था हमने, हम इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोल देते थे, लेकिन अब हमको ढंग से पढ़ समझना है कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या। ठीक है सर। अच्छा, तो इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्या यूज करना, जरा सुनना, एक चैप्टर पढ़ोगे फ्यूचर में जिसका नाम रहेगा कैपिटल बस्टिंग, तो वहां मान लो ये पहली क्लास चल रही है, तो वहां मैं पढ़ाऊंगा कि आपको किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, ये कंपनी है सर, कितना पैसा लगाना है, 1,00,000 रुपए लगाना है, और 1,00,000 रुपए लगाकर आप कमा लोगे 12%। पैसे आपके पास है नहीं है, पैसे कहीं और से उठाना है, और पैसे आप सोच रहे हैं किसी बैंक से उठाया जाए, और बैंक से उठाने पे आपको 10% इफेक्टिव कॉस्ट आ रहा है, इफेक्टिव। तो बताइए मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए यार, कितना कमा रहे हो, 12, 12, इधर कितना है देना है 10, क्या प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, यस। कितना रुपए लग रहा था हमको, 1,00,000, हम गए एक बैंक के पास, हमने कहा हमको 1,00,000 चाहिए, बोले 1,00,000 तो नहीं दे पाएंगे हम, 60,000 दे पाएंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले चलो आपसे 10% ले लेते हैं, ठीक है, अभी भी कितने की जरूरत है, 40। हम दूसरी बैंक के पास गए, मैंने कहा आप दोगे क्या 40, बोले ले सकते हो आराम से 40, कोई दिक्कत नहीं, बोले पर हम आपसे 16% लेंगे, हाँ अब लेना हो तो लो नहीं तो जाओ। अब ऐसा होता है एक्चुअल में, आप आई क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग बैंक अलग अलग हो सकता है ना, ठीक। अब सवाल है प्रोजेक्ट से कितना कमाओगे, 12, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हिसाब किताब कर लो, परसेंटेज में बात करते हैं ना, या परसेंटेज में 12.4%, ये 12.4% कैसे निकल लिया, 16 + 10/2 नहीं 16,000 का 40,000, अच्छा ऐसा ऐसा 60,000 पे 10% ब्याज देना पड़ेगा, मतलब 6,000 प्लस 40,000 पे 16% कितना था, 6,400, तो टोटल मिलाकर 12,400 देना पड़ रहा है, और ये टोटल कितने पे देना पड़ा है, 1,00,000 पर, तो परसेंटेज में कितना आ गया, 12.4%। चैप्टर खत्म। इसको बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यही तो है ना यार, बस हम हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट यही निकालना है बस, और कुछ नहीं करना, ये निकालना और काम खत्म करना, और इसका इस ये क्यों निकाल रहे, वजह क्या है, ये डिसाइड करने के लिए कि भैया आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो तो इससे ज्यादा कमा पा रहे हो कि नहीं कमा रहे हो, आपको इस बार ये पता रहेगा, ये पता रहेगा, और कहेगा इसके लिए हमको पैसों की जरूरत है, तो पैसा कहां से उठाने वाले हो, कितने परसेंट पे उठाने वाले हो, वो बता देगा आपको, इन दोनों को मिलाकर एक रेट निकालना पड़ेगा, और फिर डिसाइड करना पड़ेगा पैसा उठाने में यहां से फायदा भी है कि नहीं। कैपिटल बस्टिंग में क्या करते थे, ये दिया रहता था, ये निकालते थे, इसका नाम अजीब सा था, IRR, वो तो वैसे नहीं बनता था हमसे तो अब सुनो, अब यार हमारा जो है वो इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा, कंपनी के लिए होगा, तो कंपनी पैसों का अरेंजमेंट कहां कहां से कर सकती है, पहले वो डिसाइड कर लेते, पहले बैंक से तो ले सकते, और बैंक वाले को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, और इसके अलावा डिबेंचर्स, एक वन बाई वन लेते हैं डिबेंचर्स, डिबेंचर कौन होते हैं, मतलब बॉन्ड्स, मतलब बॉन्ड्स और डिबेंचर एक ही है, अच्छा नेचर एक ही होता है दोनों में,
आप डीप में नहीं, मैं डीप में नहीं जाना चाहता, बस इतना है मेरे लिए, इतना है सफिशियंट है सफिशियंट। बॉन्ड्स और डिबेंचर दोनों पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक। मैं नहीं जाना चाहता, फाइनल में पहुंचो फिर बात करेंगे, तो हो गया। नहीं नहीं कुछ नहीं है, बस हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो बॉन्ड्स हो गया, और एक है प्रेफरेंस शेयर्स, उन लोगों को क्या देना पड़ता है सर? डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट फिक्स होता है ना, और हमेशा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो देना ही पड़ता है, है ना। डिबेंचर होल्डर को क्या देना होता है? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आपको देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ये तो बात पक्की हो गई। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट, हाँ बोलो ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट। एक शब्द सुना है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव वो क्या होता है? वो अगर आप पहले साल में नहीं दे पाए, उसको नहीं दे पाए, मतलब क्यों नहीं दे पाए? रीजन रीजन रीजन, हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, और आप क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट नहीं है तो भी दे देंगे, प्रॉफिट होगा तो दो। डिविडेंड किसमें से दिया जाता है बच्चों? हे भगवान, लॉ पढ़े हो इतना ज्यादा, प्रॉफिट से ही तो दोगे डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है, और कहीं से बात नहीं बनती तो किससे पैसे उठा सकते हैं? इक्विटी शेयर्स, इक्विटी से तो पैसे। और इक्विटी वाले को क्या देना पड़ता है? डिविडेंड उनको, मतलब कंपनी डिसाइड करती है तो डिविडेंड दिया जाता है, यही बोल रहे हो ना आप? कंपनी मतलब मुकेश अंबानी, मतलब रिलायंस में कौन बने? पहले तो प्रपोज करेगा डायरेक्टर, तो फिर परमिशन अलाउ करेंगे शेयर मेंबर्स। हे भगवान, सुनो मेरी बात सुनो भाई, आप लॉ पे आ जाते हो, लॉ पे आ जाते हो। एक बात सुनो मेरी बात, प्रपोज कौन करता है? डायरेक्टर्स। सपोज रिलायंस में कौन प्रपोज करेगा? मान लेते हैं अंबानी, ठीक। और एक्सेप्ट कौन करता है? अप्रूवल कौन देता है? मतलब मुकेश अंबानी, अच्छा वो शेयर होल्डर नहीं है, मतलब वही प्रपोज करेगा वही अप्रूवल देगा, ऐसा बोल रहे हो ना? मतलब मुकेश अंबानी शेयर होल्डर नहीं है, है ना? वही तो है, सब कुछ तो वही है यार, इधर भी आके प्रपोज किया, उधर जाके अप्रूवल दे दिया, वही बात है। ज्यादा किसके पास है? रिलायंस को मुकेश अंबानी की कंपनी क्यों बोलते हैं? है ना यार, तो मेन तो वही है। अरे छोड़ो, हम कहां पर, एक और आखिरी बात भाई, मुझे टॉपिक खत्म करना, मैं भटक रहा हूँ, सुनो वापस। अगर ये लो कंपनी, ठीक, और प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, और प्रोजेक्ट में कितना लगाना है? 1,00,000 रुपए लगाना है, और हमको मालूम है कि हमको 12% मिल जाएगा, अनुमान है 12% मिल जाएगा। आपको पैसा उठा सकते हैं या तो इक्विटी से, या तो प्रेफरेंस शेयर से, या तो डिबेंचर से, या तो बैंक से, पर आश्चर्य की बात है कंपनी के पास ऑलरेडी 1,00,000 रुपए रखा हुआ है, किसी से नहीं उठाना है। रिटेन अर्निंग बोलते इसको, बताइए प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं? हाँ, 1,00,000 रुपए। इसका कुछ कॉस्ट है कि नहीं? नहीं, वो आप बताओ ना, इसका रिटर्न अर्निंग का कुछ कॉस्ट होता है कि नहीं? अगर आपका कहना सर रिटर्न अर्निंग मतलब घर में पैसा है ना यार, उसका कहेगा कॉस्ट, तो फिर ठीक है 2% कमा लो, क्या फर्क पड़ना? रिटर्न अर्निंग का कॉस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। रिटर्न अर्निंग मतलब किसका पैसा? शेयर होल्डर का। भाई आप ही का पैसा है यार, आपको जो मिलना, आप उससे जो कमा लेते वो कॉस्ट होता है, रिटर्न अर्निंग का भी कॉस्ट होता है। मुझे ना एक एक चीज पढ़ानी है यहाँ, कंपनी जो हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में है, कंपनी जो एक जगह से पैसे नहीं उठाएगी, कुछ पैसे इक्विटी से लेगी, कुछ पैसे प्रेफरेंस से, कुछ डिबेंचर से, कुछ रिटर्न अर्निंग का, और सब मिलाकर देखना पड़ेगा कि कितना कॉस्ट है। पर इन सबसे पहले हमको इंडिविजुअल कॉस्ट निकालना सीखना पड़ेगा, यार बैंक से पैसे ले तो इफेक्टिव कॉस्ट क्या आता है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो एक बार लिख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। तो सबसे पहला इसमें लिखोगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कॉस्ट ऑफ डेट्स, डिबेंचर्स,
ठीक है। और सर कॉस्ट ऑफ डेट्स को प्यार से क्या बोलते हैं? केडी बोलते हैं। सेकंड, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इसको प्यार से बोलते हैं केपी। सर हम भी बोल सकते हैं कि बिल बोल सकते हो, लिख भी सकते हो, ठीक है, पूरा लिखना जरूरी नहीं। थर्ड, कॉस्ट ऑफ पूरी, और इसको बोलते हैं के ई। फिर पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिटर्न अर्निंग, और इसको बोलते हैं के आर। और फिर जब ये चारों चीजें पढ़ लेंगे यार, डेट्स में सब है, आएगा डिबेंचर्स भी आएगा, बॉन्ड्स भी आएगा, बैंक भी आएगा, सब कुछ है। और लास्ट में पढ़ेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो बोलते हैं के ओ। तो ठीक से लिख दूं क्या? केओ, कुछ लोग इसको जीरो बोलते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। केओ आप भी बोलोगे, ठीक है। तो भाई साहब हमारा जो टारगेट है वो ये टारगेट है। एग्जाम में भी क्या दो नंबर का क्वेश्चन आता है क्या? नहीं आता, आप भी जानते हो। या तो क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा या तो क्वेश्चन 10 नंबर। अगर मैं इनकी इंडिविजुअल बात करूं तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बुक लाए हो, इतने छोटे छोटे, जरूरत नहीं पड़ेगी आज, तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन है बुक में, छोटे छोटे, तो दो दो नंबर के क्वेश्चन। चल तो ना यार, हम ये जो पढ़ रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, आए हुए हैं, मेरा पूरा देखा हुआ है, इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं 5 नंबर के। अगर 10 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो यहां से आएगा। अच्छा, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें इससे इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, 5 या 10। चलो ठीक है, यहां सिर्फ यहां जो सीखेंगे वो इसके लिए सीखेंगे, टारगेट ये। तो सबसे पहले नाम लिखोगे कॉस्ट ऑफ डेट्स, स्टार्ट यहां से करेंगे। कॉस्ट ऑफ डेट, फॉर्मूले है इसमें, अभी फॉर्मूले लिखवाने की अपेक्षा मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, फॉर्मूले बनाते और उसके बाद लिखेंगे ज्यादा अच्छा। फॉर्मूले रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं। तो मैंने जैसा मैं कैपिटल वेस्टिंग में करवाया था वैसा यहाँ करवा रहा हूँ, अभी पहले एग्जाम्पल से बात लिखोगे। एग्जाम्पल बैंक से लोन लिया 1 लाख रुपए, बैंक लोन 1 लाख, और प्रोसेसिंग फी वो कट गई 7,000 रुपए, तो नेट कितना मिलेगा? 93। रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर से, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है आप लोगों का ग्रुप वन में पढ़ने में मजा आता है? टैक्स, टैक्स भी है क्या? चलो तो टैक्स रेट बीस परसेंट
एडी क्वेश्चन मार्क भाई, टैक्स रेट दिया यार है ना। अभी तक काफी कुछ हमने समझ लिया था कि सर 1,00,000 रुपए जरूर आ रहा है, पर 1,00,000 में 7,000 रुपए तो प्रोसेसिंग फीस कट गया, तो नेट हमारी जेब में कितना आया 93। मुझे इंटरेस्ट देना है, इस पे देना पड़ेगा मुझे 1,00,000 पे कितना परसेंट, 12%, कितना 12। तो मेरे जेब में आया 93,000 और मुझे देना पड़ रहा है 12,000, पर उस 12,000 क्या मेरा खर्चा है, है लोन लोगे तो एक्सपेंसेस है क्या, पर उस एक्सपेंसेस की वजह से भी फायदा हो सकता है, ये ही समझा। पहले आप कमाई करते थे कि नहीं करते, सुन लो बच्चों, पहले जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लोन लेने से पहले, तो करीब करीब कितना 80,000 रुपये प्रॉफिट होता, और इस 80,000 पे 30% क्या लग जाता था, टैक्स, टैक्स तो लगी गई। मैं अपनी पहले की बात बता रहा हूँ, 80,000 का 30% कंपनी है ना, 80,000 का 30% कितना होता है 24,000, ये मेरा टैक्स है, ठीक है। अब जब मैं पीएनएल अकाउंट बना रहा हूं तो साहब मैंने तो लोन ले लिया, तो अब मेरा बाकी सारी चीजें जैसी चल रही है वैसे चल रही है, मतलब अब मेरा 80,000 प्रॉफिट नहीं दिखाई देगा, 80,000 में से क्या माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट 1,00,000 का 12% कितना होता 12,000। अब अगर मैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट मारता हूं 12,000 से, तो अब 80,000 प्रॉफिट नहीं आएगा, 80,000 में से 12,000 माइनस करो कितना रहा 68,000 प्रॉफिट, और इस 68,000 पे मुझे कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा 30%, 20,400। तो इस खर्चा है नो डाउट मेरे जेब से 12,000 जा रहा है, लेकिन सर टैक्स भी तो बचा लिया आपने, जो 24,000 देना हो रहा था वो 20,400 ही देना, कितना बचा लिया 3,600। तो बोलो मेरे जेब से हर साल कितना जाना है 12,000, पर कुछ बच भी तो रहा है 3,600, तो इफेक्टिव कितना पड़ा, कितना एक्चुअल नेट कितना जा रहा है, नेट कितना जा रहा है 8,400, एक्चुअल में तो 8,400 जा रहा है, ठीक है। हम ये हमेशा मान के चलेंगे कि हम प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, हमको ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा, ऑलरेडी टैक्स देते हैं अगर, तो 8,400 एक्चुअल में। कोई जरूर बोलेगा कि यार आपके जेब से तो कितना रुपए जा रहा 12,000, पर वो आम आदमी की तरह बोल रहा, आपको मालूम है उस 12,000 की वजह से आपको फायदा है, तो नेट कॉस्ट कितना है आपका 8,400, और ये 8,400 कितने पे देना पड़ रहा है 8,400 दे रहा हूं, पर बदले में जेब में कितना आया 90। तो अब कोई बोलेगा कि यार कितना पैसा जेब में आया था, मैं कहूंगा 93,000, और उस पर देना कितना पड़ रहा है 8,400। अब परसेंटेज निकालेंगे, कैसे निकाला 9.0। या फिर हम ऐसे भी कर सकते कि 1,00,000 का 12% कितना होता है 30% टैक्स का हटा दो, तो 12,000 × 70% तो भी क्या 8,400 आ जाएगा। बच्चे क्या है मालूम है दिक्कत क्या होती है, जो नोट करने कॉपी करते हैं ना, तो ये भी कॉपी कर लेते हैं, फिर मुझसे बोलते हैं सर ये कहाँ से आया था 80,000, भाई ये मैं समझा रहा था बीच में डाल दिया, तो इसको भूल जाओ, इसको कॉपी मत करना, खुद ही उलझ जाओगे। तो अब 8,400 निकालने का मैंने सिंपल आपको तरीका मालूम है, 12,000 में से क्या माइनस कर दो, 12,000 का सीधा कितना परसेंट ले लोगे 70%। तो अगर मैं कहूँ केडी निकालने का फॉर्मूला है, यस लिखना पड़ेगा एडी, ऊपर क्या आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब 12,000, और इंटू 70% की जगह हम ऐसे भी लिख सकते ना 1 माइनस पॉइंट, उसको कुछ बोलना पड़ेगा टैक्स, फॉर्मूला लिख रहे हैं तो ऐसा लिखना है टैक्स डिवाइडेड बाय जो अमाउंट मिल रहा है वो, उसको कुछ नाम देना पड़ेगा ना यार, नेट 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 प्रोसीड्स, अच्छा नाम नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड यही लिखना है आपको,
हंड्रेड ये फॉर्मूला काम आए। इस एग्जांपल को सॉल्व करें, इसका फुल फॉर्म लिखवा दूं क्या? टी का फुल फॉर्म टैक्स, आई का मतलब लिखवा दो सर। इंटरेस्ट रेट की इंटरेस्ट अमाउंट अच्छा दोनों से आंसर एक ही आएगा, चाहे रेट लिखे चाहे अमाउंट लिखे, हाँ या नहीं? आराम से सोच लो, वो अलग बात है, वो अलग में वहां पहुंचा नहीं हूं, बहुत दूर निकल गया आप, धीरे धीरे करो। इंटरेस्ट अमाउंट याद रखना, कसम खा लो अमाउंट लिखना टैक्स में गड़बड़ कर दो। और सर टी का मतलब भी बता दीजिए, टैक्स रेट एनपी का मतलब नेट प्रोसीड्स। और वन का मतलब वन टैक्स कम, ठीक है सर। तो यहाँ इंटरेस्ट का अमाउंट लिखना पड़ेगा कितना, 12,000 वन माइनस कितना टैक्स रेट 0.3 डिवाइडेड कितना आ रहा है नेट 93,000। और परसेंटेज में दिखाना होता है ना, इसलिए हमको इनटू 100 कर। कितना परसेंटेज 9.03%। पॉइंट के बाद दो डिजिट लिखना है, परसेंटेज में इसके अलावा नहीं लिखना, पॉइंट के बाद दो डिजिट, जैसे हम आईआरआर वगैरह में करते थे, ठीक है। डिबेंचर की बात करते हैं, डिबेंचर इंपॉर्टेंट है कंपनी ना ज्यादातर, ये तो हमने एक बैंक के हिसाब से किया कि फॉर्मूला ऐसा, कंपनी ज्यादातर हम लोगों को बैंक से कम लोन लेंगे, हमको डिबेंचर से ज्यादा लेना होगा। डिबेंचर दो टाइप के होते हैं, एक होता ई रिडीमेबल और एक होता है रिडीमेबल। ई रिडीमेबल और रिडीमेबल में अंतर क्या है वो मैं बता देता हूँ। ई रिडीमेबल में ऐसा होता है कि भाई मुझे पैसे चाहिए, आपने दे दिया, मैंने कहा मैं हर साल ब्याज दूंगा, आपने कहा ठीक, पैसे वापस नहीं करूंगा, क्या आप तैयार हो जाओगे? फिर से समझ नहीं आया सर, फिर से बोलो। यही यही मतलब होता ना ई रिडीमेबल का मतलब, कि पैसे ले लिया, हर साल ब्याज दूंगा, लेकिन पैसे वापस मत करूंगा, मांगने मत आना। भगवान। रिडीमेबल क्या बोलता है, रिडीमेबल क्या होता है, पैसे वापस करेंगे। तो हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी पढ़ना है, दो तरीके के डिबेंचर पढ़ना, इरिडीमेबल डिबेंचर और रिडीमेबल डिबेंचर। इरिडीमेबल डिबेंचर अलाउ है या नहीं है? इंडिया में अलाउ नहीं है, पर हम इंडिया के लिए कहाँ, हमारा तो फाइनेंस है ना यार, हम कहीं भी जा सकते हैं, तो उसे सब पढ़ना पड़े। तो लिखोगे, अब लिखने वाले हो, अभी तक एग्जाम्पल की, अब काम की चीज है। तो दो टाइप के डिबेंचर है, एक तो हमको करना है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल, डिबेंचर और उसका फॉर्मूला है एडी इज इक्वल टू आई वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, ऑलरेडी लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नाइन परसेंट डिबेंचर,
ऑफ रुपीज 1000 ईच, फेस वैल्यू समझते हो ना यार, ये फेस वैल्यू है। इश्यूड एट टेन परसेंट प्रीमियम, कोई बताएगा कितने रुपए में इश्यू किया जा रहा है? 1000 का डिबेंचर है, 10% ज्यादा में 1100 रुपए, कंपनी के पास एक डिबेंचर भी कितना आएगा? 1100। नंबर ऑफ डिबेंचर्स लिख दूं, और कंपनी मान लो 1000 डिबेंचर इश्यू कर रही है, और टैक्स रेट ले लेते हैं कितना परसेंट लो, 40%, इसलिए लिए क्योंकि ना आंख बंद करके एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं, और टैक्स रेट 30% चिपकाते हैं, 40% है ना। और आपको क्या निकालना है, केडी, टाइम दिया हूं मैंने आपको, चाहो तो फॉर्मूला लिख दूं, हाँ यही वाला, कितना साल भर में इंटरेस्ट देना है वन माइनस टैक्स, और कितना पैसा आए, प्रोसेसिंग फीस कुछ नहीं, नहीं हो सकती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन हो सकता है, ग्यारह सौ आ रहा है एक डिबेंचर में, हाँ इंटरेस्ट, हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट के लिए तो मतलब, तो नीचे कितना पैसा है, नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है यार, एडी कॉस्ट ऑफ डेट, और कुछ बच्चे बेकार का क्वेश्चन ही पूछते, सर कॉस्ट ऑफ डेट में के किधर से आया, तो कोई डाउट नहीं है ना, थर्टी परसेंट ले रहे हो, मतलब ले लिए हो, कैलकुलेट कर लिए हो, और कोई उपाय नहीं सूझ रहा, तो चलो इसी को टैक ठीक कर देती हूँ मतलब क्वेश्चन चेंज कर दे तो हाँ जी आंसर चाहिए मुझे, कितना आया था सभी का, वाओ पहली बार ऐसा हो, और एक आंसर आ गया 4.91, गुड आंसर 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 आंसर, ये भगवान क्या हो गया है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल दे दिया था, सॉरी मुझे नहीं पता था, यहां तक कोई दिक्कत, ये दोनों में से कोई एक होगा, दो आंसर, अच्छा दोनों ही आ गए आपका क्या आश्चर्य है, ये आंसर तीसरा आ रहा हो तो और लो, सुनो 1000 पे कितना परसेंट देना है, 9%, 1100 पे नहीं आएगा है ना, ये तो पक्का है, 1000 का 9% कितना होता है, 90 रुपए, तो इंटरेस्ट कितना आ गया, 90, वन माइनस 0.40 डिवाइडेड बाय, एक डिबेंचर पे कितना आ रहा है, 1100 इंटू 100, सिंपल तो था यार,
90 × 0.6 / 1100 कितना आ रहा है? 4. पिछली बैच में मालूम है बच्चे क्या कर रहे थे? वो सबको 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। हद नहीं हो गई यार, बोले नहीं 90 तो 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 रुपए लिखेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्यों कर रहे थे भाई ऐसा, एक का निकालो चाहे एक। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा लास्ट भाई। इसका तो मैं आपको टाइम पास के लिए दिया था, मतलब ही नहीं था इसका, जरूरत ही नहीं है करने की। आपको तो एक का निकालना है, ऐसा नहीं पूछेगा भाई आपसे। जो भी काम है वो परसेंटेज में काम करना है, ठीक हो जाएगा ये। आगे से क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूरत नहीं है, 1 का कर लो, 1 का करो चाहे 1000 का करो, एक ही का। तो आंसर ये वाला गलत है। ये वाला 5.4 किस हिसाब से निकाला बस इतना बता दो। अच्छा नीचे 1000 ले लिया था तो ये वाला सही है। अब देखते एग्जांपल नंबर 2 लिखोगे। मेरे ख्याल से थोड़ा सा इजी थी। 12% डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 इच, डिबेंचर डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं कि नहीं होते ना? नहीं कंपनी एक्ट देख, मैंने पढ़ा था कि कुछ चीज डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होती। अच्छा शेयर्स क्या जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, आप वो स्पेसिफिक की बात क्यों कर रहे? नहीं होते। अच्छा शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते। पक्का ना? पक्का डिबेंचर डिस्काउंट पर होते हैं। देख लेना भाई आपका लॉ आप जानो मुझे। 12% डिबेंचर ऑफ 100 इच ये लो ना यार, जो चीज का झंझट है वो डालते नहीं। इश्यूड एट पार टैक्स रेट 30% केडी क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी दूं क्या? हाँ नहीं नहीं इसलिए पूछ रहा हूं, पिछले बार बच्चे बहस कर रहे थे सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स से आ रहा ना तो हम उसी से करेंगे, आपको जो करना करो। तो लो आप कर लो कितना 8.4% KD is equal to I 1 minus tax, ठीक। आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट का अमाउंट। अगर रेट लिख दूं तो कोई गुनाह है क्या? अगर रेट भी लिख देता हूं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 12 ओवर में आंसर कितना जाएगा सीधा सीधा 8.4%। तो आई का मतलब मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ? यहाँ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आप क्या ले रहे हैं? इंटरेस्ट अमाउंट। क्या दोनों से आंसर एक ही आ रहा है? यस। तो ये क्यों एक ही आ रहा है उसकी वजह बता सकते हैं? क्योंकि इश्यूड एट पार, क्योंकि नीचे भी 100 ही आना है। अगर उसके अलावा कुछ और होता तो फिर तो यही वाला फॉर्मूला कर सकते। तो चाहो तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। इट मीन्स आई का मतलब आप चाहो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ले सकते। और सर अगर पुराना वाला ही करे तो कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, उससे तो आंसर आ रही है।
तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, कौन सा वाला यूज करेंगे जनरली हम लोग, मतलब एक कोई भी चीज फिक्स कर ले कि ये भी याद रखना जरूरी है, ऊपर वाले से कम। ठीक है, लास्ट एग्जांपल, कम से कम अब सही है। ये लो पहले टैक्स रेट ही दे देता हूँ 40% और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे देता हूँ 15% और केडी क्वेश्चन मार्क। सिंपल, इंटरेस्ट का अमाउंट लिख रहा है कि रेट लिख रहा है, वही तो मैं बोल रहा था पिछली बार कि रेट ही लिखना है। इट मीन्स आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज बेकार नहीं पड़ेगी, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ कहोगे ओहो इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ से लाए, ला ही नहीं सकते, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू आई वर माइनस टैक्स, आई का मतलब यार रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा हूं 15 माइनस पॉइंट, आंसर कितना आ जाएगा। दूसरा लिखोगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर, AD is equal to, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। I, इसमें सारे फॉर्मूले ही चले गए हैं ना, 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N डिवाइडेड बाय RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2, सर ये N और ये N नहीं एक ही है ना, इनटू 100। एक चैप्टर पढ़ा हुआ था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, पहले का भी याद रह सकता है, ऐसा इतना ढंग से पढ़ते हम लोग यार, ऐसा क्या। कोई बात नहीं, ये सब लड़ाई ना YouTube में जाती है, वो अच्छा नहीं लगता। फुल फॉर्म लिख ले सबसे पहले टाइम पास, आई का मतलब इंटरेस्ट अमाउंट, ई का मतलब टैक्स रेट, आरवी का मतलब रिडीमेबल वैल्यू अमाउंट। NP का मतलब हो गया हमारा नेट प्रोसेट्स, N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इयर्स, ये चीजें कहाँ काम आती है सर, ये चीजें तब काम आती है जब हमारा पेपर नहीं बन रहा होता है, तो ये भी लिखेंगे, आंसर भी निकालेंगे, ये भी लिख देंगे, टाइम ही टाइम है तो कुछ लिखने के लिए रह हो जाएगा, बाकी ये कहीं काम नहीं आने वाला। आप लिख लिया है, अब कॉन्सेप्ट समझना है, लिख लिया है ना, सुनो एग्जांपल समझते हैं, लिखोगे एग्जांपल। थर्टीन परसेंट डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 ईच
इश्यूड एट पार एंड रिडीमेबल आफ्टर 5 years at 20% प्रीमियम. इट मीन सीधी सी बात है यार, आज मैं आपसे एक डिबेंचर के पीछे कितना पैसा मांग रहा हूँ, 100 रुपए, और आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं 5 साल बाद कितना पैसा आपको वापस कर दूंगा, 120, और साथ में हर साल ब्याज भी जाएगा कितना, 13. टैक्स रेट थर्टी परसेंट और आपको निकालना है केडी. हे भगवान समझाने तो दो. अरे भाई फॉर्मूले पुट करके निकालना मुझे नहीं निकल पा रहा था. समझाने दो थोड़ा सा. अब तो आ भी जाता अभी तक. रुक तो जाओ थोड़ा सा, बहस तो करने तो थोड़ी सी. ठीक अब सुन लोगे ध्यान से. 100 रुपए का 13% देना ही देना है. कितना रुपए जाएगा हमारा हर साल, 13 रुपए ये जाएगा, और इस पे टैक्स सेविंग भी हो जाएगा 1-0.30. यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा पहले निकाल लो फिर मैं बात, पहले निकाल लो, कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं समझाऊंगा. निकाल लिया. अच्छा यही बार निकाल रहे हो क्या, अब पूरा निकाल रहे हो ना बच्चे. बोले नहीं अब क्या है, मैं किसी को रोकने से रहा तो मैं बोल, पहले निकाल लीजिए आराम से, और फिर मैं कहूंगा वो गलत है, फिर हम लोग बनाएंगे. हाँ निकालो ना, निकाला. हाँ अब आप रुक जाओ, काटना पड़ेगा, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ. ठीक तो ये इंटरेस्ट तो जाना है, लेकिन यार इसके अलावा 13 रुपए में कंपनी मेरे सब 13 रुपए तो जाएगा, लेकिन 100 रुपए जो आ रहा है आज, अब बदले में 120 देना पड़ रहा, तो वो भी तो एक्स्ट्रा जा रहा है. कितना एक्स्ट्रा जा रहा है इंटरेस्ट के अलावा भी. 100 रुपए आया, 120 गया, तो कितना एक्स्ट्रा गया, 20. ये 20 रुपए हर साल जा रहा है कि 5 साल का मिलाकर, 5 साल का मिलाकर, तो ऑन एन एवरेज हर साल का बता सकते हैं, 4 रुपए. ये कैसे निकाला, 4, ये ऐसे निकाला बेटे, 120 - 100/5. इसको क्या बोलते हैं प्यार से, RV - NP / number of years. मतलब 13 रुपए के अलावा आपका 4 रुपए भी तो खर्चा है ऑन एन एवरेज हर साल. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पूछूंगा, नहीं बोल रहे तो पूछूंगा. चलो तो पहले मैं फॉर्मूला, अभी ऊपर वाला पार्ट किया, मैं ऊपर वाला लिख रहा हूँ. बोलो आई कितना है, 13. 1 - टैक्स का रेट कितना है, प्लस 120 RV - 100/5. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीचे क्या कर रहा है, नीचे RV + NP / 2. RV मतलब कब का वैल्यू है, लास्ट का, NP मतलब कब का वैल्यू है. तो याद करो मैंने ARR में ये डिस्कस कर रखा है, opening + closing / 2. याद है ARR में मैंने कहा यार कि यार वो जो आपका जो पैसा लग रहा है, वो पैसा तो आज लग रहा है, अगले साल प्रॉफिट हुआ, फिर जब अगले साल तो नेट इन्वेस्टमेंट देखते ना, आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हुआ, ऐसा ARR में मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया था कि एवरेज कैसे किया जा रहा है. फिर मैंने कहा एवरेज करने का और एक तरीका, एवरेज करने का तरीका क्या है, opening + closing. मैं रफली नॉलेज दे रहा हूँ, मुझे बस इतना बताना, मैं बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये मैं समझा चुका हूँ.
नीचे क्या करते हैं हम लोग, एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू। मुझे बताओ आज कितना पैसा लगा रहा हूं मैं डिवेंचर में, 100। मैं अपनी बात में 100 रुपए लगा रहा हूं, कितने साल तक काम चलेगा, 5 साल। यहां इंटरेस्ट कितना मिलेगा पहले साल, 13 रुपए आफ्टर टैक्स कर लेंगे, कितने पे मिला, 100 पर। अब एक बात बताऊं, धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, मालूम है जब मैं यहां रिडीम्ड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, 120, मानते हो आप लोग, 5 साल जब हो जाएगा तो मुझे 120 मिलेगा, कंपनी के पास जाऊंगा डिबेंचर दूंगा 120 लेगा। जैसे ही 1 साल बीता, सोच समझ के बोलना, मेरे पास डिबेंचर रखा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ ये डिबेंचर मेरे पास है, 1 साल बीता मुझे 13 रुपए मिला, पर धीरे धीरे मैं खुश होना स्टार्ट होऊंगा, मालूम है क्यों, ये डिबेंचर 1 साल बीतेगा खुश हूँ, क्या मिलने वाला है, 120, फिर धीरे और फिर धीरे आगे बढ़ूंगा 120 मिलते जाएगा। जैसे ही 1 साल हुआ, मेरा एक दोस्त आया, बोलता सुनो ना ये डिबेंचर मुझको 100 रुपए में बेच दो, बेचूंगा कि नहीं बेचूंगा। फिर 2 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, ठीक 3 साल बाद वो बोलता 100 रुपए में बेच दो, बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे, आपको पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ रही है, मालूम है किस वजह से बढ़ रही है, क्योंकि रिडेम्पशन पे आपको ज्यादा मिलने वाला। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि भाई इसकी वैल्यू ये जो है जो 100 रुपए है, ये वैल्यू यहां जाकर 100 रुपए नहीं हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर ऑन एन एवरेज बोलूं तो 4 रुपए से बढ़ेगी, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 104। अब जब 13 रुपए में कमाऊंगा तो मैं कहूंगा मैं 100 पे नहीं कमा रहा हूं, कितने पे कमा रहा हूं, 104। और फिर याद करो मैंने ऐसा करवाया आपको, इसका क्या मारोगे, एवरेज, और एवरेज करोगे तो वही आएगा जब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू करते, तो नीचे लिखा जाता एवरेज, और ज्यादा डिटेल में डिस्कशन करना है तो सेपरेट कर दूंगा, पर यहां लिखेंगे एवरेज। एवरेज के इसका हमने फॉर्मूला लिखा था आरबी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, 120 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, और लास्ट में क्या जाएगा इनटू कितना, 11.। मुझसे क्या गलती हो जाती, अधिकतर बच्चों की गलती क्या होती, जब मैंने टेस्ट पेपर चेक किया वो यहाँ 2 लिख देते, जल्दबाजी होगा आपके साथ भी हो, या फिर यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ गलती होती है। सर इसके अलावा किसी एक बच्चे का डाउट था जो जिसका जवाब आप ही दोगे तो ज्यादा अच्छा, डाउट ये था कि सर 13 रुपए तो हमारा खर्चा है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट मारेंगे, हमारे पास कंपनी के पास आया कितना, 100, गया कितना, 120। तो एक शब्द होता था प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, डिबेंचर में पढ़ा होगा, कौन से ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में है ना डिबेंचर, नहीं पढ़ा कोई बात, ये 12th में पढ़ा है ना भाई, 12th में पढ़ा है, ठीक हाँ 12th में, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन वो भी एक एक्सपेंसेस है, 20 रुपए मेरा खर्चा है कि नहीं है यार, है ना यार, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करेंगे कि नहीं, उस पर टैक्स में होगा कि नहीं, अगर होगा तो यहां 1- टैक्स क्यों नहीं किया, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम्स, अच्छा सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता भाई, नहीं ऐसे पूछ रहा हूं मुझे नहीं पता यार, अच्छा 100 रुपए का शेयर अगर 120 में इश्यू करे तो वो 20 रुपए क्या हो जाएगा, प्रीमियम, और उसको पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे, नहीं पीएनएल अकाउंट में अगर क्रेडिट में लिखोगे तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा, वो तो इनकम ही ना है, 20 रुपए इनकम है कि नहीं है उस पर टैक्स देना है कि नहीं देना, बस इतना बताओ, 100 रुपए का डिबेंचर 120 में इश्यू किया तो 20 रुपए इनकम, हाँ बस मैं यही कहना हूं वो 20 पे टैक्स नहीं देते पर उसका यूज कर लेते हैं इसको राइट ऑफ करने के लिए, तो इस पर भी टैक्स सेविंग क्यों करेंगे भाई, लॉजिक ये है। बाकी सर किसने पूछा था ये बताओ, छोड़ दो इसका, अगला एग्जांपल है और अगले एग्जांपल का आंसर दूंगा, मेरे मुझे कॉन्सेप्ट पे आना है, ये सर ये काम आएगा क्या, ये बुक से रखिए सीए फाइनल की, और मैं उठाकर दिखा दूंगा कि ये देखो ये वाले फॉर्मूले कितनी सारी जगह, इसलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ।
ठीक है सर, हमारे एग्जाम भी है पास में, ठीक है। अब यहाँ खत्म कर रहे हैं इस बात को। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आपका नंबर है, मैं कोशिश करूंगा एक दो एग्जाम्पल ही लूंगा, थोड़ा सा इधर उधर करूंगा, बस आप धीरे से मैनेज कर लेना उसको। लिखोगे एग्जाम्पल आराम से बनाना, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपसे गलतियां करवाऊं, ठीक है। ₹12,000 issued at ₹10 premium. And redeemable at 20% premium. Tax rate 40%. KD question mark. सवाल ये है, redeemable कितने साल में होगा? N 5 years लेती, यहां भूल गया था। तो बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा कि छोटा वाला? बड़ा वाला मतलब केडी वन माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी, बात खत्म। ईयर दिया है ना, तो बड़ा वाला फॉर्मूला लीजिए। बड़ा वाला मतलब कौन सी? इस फॉर्मूले की मैं बात, देखो मैं आगे क्या है, बहुत बड़ा नाम नहीं लूंगा, सीधा बोलूंगा छोटा वाला कि बड़ा वाला। अगर ऐसा ये वाला आ गया पूरा है तो बड़ा वाला फॉर्मूला, अगर सिर्फ मुझे यही करना है आई वन माइनस टैक्स तो छोटा वाला फॉर्मूला, ठीक है। आंसर चाहिए, और मैं भी जानता हूँ फॉर्मूले आप भी नहीं लिखने वाले, ठीक है, सीधा सीधा बताओ। कोई एक आंसर आ गया है 60, कंपनी बर्बाद नहीं हो जाए। टैक्स रेट 40%। हिम्मत से बोलो, हिम्मत से, हिम्मत, कोई बात नहीं, हिम्मत से बोलो तो सही। 8.5 नहीं उड़ाऊंगा, क्यों? 8.52%। दूसरा आंसर आ गया 8%। हाँ तो 20 की 130 कभी फेस वैल्यू पर ही होता, फेस वैल्यू पर ही होता। आठ परसेंट आठ परसेंट बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। फाइनल लिखूं, 1000 का 12% कितना होता है? 120। बहुत सारे बच्चों ने लास्ट में, लास्ट बैच में इसको, आप तो समझदार हो, 12 लिख दिए थे, जल्दबाजी में 120 लिखना। अब मैं जानता हूँ ना, मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ कि कुछ गलत करो। अच्छा नहीं, सुनना ही नहीं है, सुनना ही मत। सुनोगे तो दिक्कतें पड़ोगे। अच्छा सभी ने 12 कर दिए, अच्छा 0 उड़ा देते, क्या फर्क पड़ता?
मुझे बताओगे रिडीमेबल वैल्यू कितना आएगा? 1200 माइनस 1100 डिवाइडेड बाय 5, 1200 प्लस 1100 डिवाइडेड बाय 2 × 100 आंसर कितना आ रहा है? 8%। तो वैसे भी आपका कितना आ रहा है? 8% ही आ रहा है। नंबर मिलता कि नहीं मिलता आपको? वो तो सीधा काटा लगाता है, आपने कभी चेक किया बुलवाया है क्या? फाइल करने के लिए वो कुछ भी देखता, आप टेंशन मत लो, अगर उसको करना है ना तो चुन चुन के करेगा, सावधानी से काम करना। अभी लास्ट एग्जांपल सुनो, इस टॉपिक का लास्ट एग्जांपल, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ डेट खत्म हो जाएगा बस इतना ही। एग्जांपल ₹14 डिबेंचर ₹100 ईच, कुछ टेंशन खत्म। इश्यू डेट डिस्काउंट, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं पर आ गया तो। तो यार नेट मेरे पास अभी कितना आ रहा है? 90 एंड रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स। एट 10% प्रीमियम कंपनी इश्यू कर रही है, वो कितने परसेंट डिस्काउंट पे इश्यू कर रही है? मतलब आपसे कितना लिया जा रहा है? ₹90 और वापस कितना किया जाएगा? 110 टैक्स रेट 40% एडी क्वेश्चन मार्क, आराम से करना। इलेवन पॉइंट सभी का फोर्टीन, वन माइनस पॉइंट फोर, आरवी कितना है भाई और एनपी डिवाइडेड बाय 6 110 प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2 × 100 11 पॉइंट सभी का ना। चलो दिल खुश हो गया। नहीं मुझे ऐसा शक हो रहा है अभी कि पता नहीं अगला एग्जांपल कर पाओगे, ये कर लो तो मानूंगा कि चलो ठीक अब आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी भी थोड़ा सा डाउट 11.73। अब थोड़ा चैलेंज वाला क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ यार, इसको एक स्टेप लिख कर करते हो कि कैलकुलेटर में ही हो जाता सब? बिना उसके कैलकुलेटर में हो सकता है क्या? मतलब हमको एक स्टेप नीचे नहीं लिखना, उतना टाइम थोड़ी ना है, जरूरी थोड़ी ना कि उसको एक स्टेप नीचे लिखो, सीधा यहीं के ही आंसर कैसे होता? नहीं जुगाड़ तो लगाना पड़ेगा, हमको टाइम बचाना है। ये वाला तो हम एवरेज मन में रखते हैं, ऐसा बोल रहे हो क्या?
बताओ बताओ m प्लस में डाल दिया 110 माइनस 90 डिवाइडेड बाय 6, इसको भी m प्लस में डाल दिया। एक सौ दस प्लस 90 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और हाँ नहीं वो ठीक है, इसके अलावा और भी कोई टेक्निक है आपके पास? दिमाग में नहीं रखना है ना यार, इसलिए तो उतना रहता हमारे पास। देखो 11% डिवेंच ऑफ रुपीस 1000 ईच, सोच समझ के करोगे। इश्यूड एट 10% प्रीमियम एंड रिडीमेबल आफ्टर 10 years एट पार। इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं कंपनी हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज प्लीज डिबेंचर होल्डर मुझे पैसे चाहिए, और कितने कितना चाहिए आपसे, कितना ले रहा हूँ मैं 1100, और मैंने कहा 10 साल बाद मैं आपको वापस करूँगा कितना, क्या आप तैयार हो जाओगे, प्लीज मुझे 1100 दो और 10 साल बाद मैं आपको सीधा नहीं नहीं बोलते, प्लीज मुझे 1100 दो और मैं आपको 1000 दूंगा, क्या तैयार हो सकते हो? हो सकते हो, अगर ये बहुत ज्यादा है लालच दोगे तो हो सकता है। टैक्स 30% एडी क्वेश्चन मार्क, एक दो तीन चार, ज्यादा की उम्मीद है आप लोगों से। हाँ आपका आंसर कितना रहा है? सिक्स पॉइंट थ्री एट, दोनों का आंसर आया वहीं आसपास बैठे हो तो हो सकता है 6.8%, एक साथ कैसे आंसर आ सकता है एक। अच्छा कहाँ गलती हुई थी सर? माइनस 1000 कर दी। आ गया सब लोगों का, तो हमारा केडी खत्म। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्या देगा, बड़ा क्वेश्चन देगा, उसमें या तो रिडेम्पशन का बताएगा कितने ईयर में रिडीम, या तो नहीं बताएगा, तो दो फॉर्मूले लगने वाले हैं, या तो ये लगेगा, और ये फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है,
जब धीरे 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 क्वेश्चंस बनाएंगे ना, बड़ा बहुत सारे क्वेश्चंस है तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, तो पहला था कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, दूसरा मैंने क्या लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी दो टाइप की, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। तो पहले इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें मुझे कुछ समझाना नहीं है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल कुछ देना होता है जिसको आप बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, और मान के चलते हैं हम प्रॉफिट होता ही है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना है। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंसेस है कि नहीं है, मतलब इनकम टैक्स वाला भाई साहब उसको एक्सपेंसेस अलाउ करता है कि नहीं करता डिविडेंड को, इंटरेस्ट को तो करता है यार। अब मैं पूछ रहा हूँ ना, नहीं करता, उस पर टैक्स सेविंग्स हो ही नहीं सकता डिविडेंड पे। अगर इंटरेस्ट होता तो टैक्स सेविंग्स होता। तो यहाँ करना क्या है, पीडी, पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड, और वन माइनस टैक्स और कट कर दिया, इसका मतलब टैक्स सेविंग्स नहीं होता, ये याद रहेगा। ये याद कैसे रहेगा, याद ऐसे ही रहेगा, इस पर नहीं होता। एनपी इंटू 100, मतलब सर वही है फॉर्मूला, जो केडी का फॉर्मूला था वही इसका है, बस उसमें वन माइनस टैक्स होता था, इसमें वन माइनस टैक्स नहीं होता, और क्यों नहीं होता लॉजिक आपको पता है। दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस, पीडी वन माइनस टैक्स नहीं आएगा, बाकी सब वही है, आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन, और आरवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय टू इंटू 100। क्या अंतर आया दोनों में, टैक्स सेविंग्स सा, बाकी और कुछ है। तो इस पे एग्जांपल्स की जरूरत है क्या, नहीं है, पर एक एग्जांपल देख लेते हैं, एक एग्जांपल। अब आप पहचानना कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि छोटा कि बड़ा, मैं एक एग्जांपल लिखूं, कम से कम एक एग्जांपल रहना चाहिए। एग्जांपल थर्टीन परसेंट प्रेफरेंस शेयर्स, ऑफ रुपीस 1000 ईच, इश्यूड एट पार केपी क्वेश्चन मार्क, टैक्स का रेट दूं, निकाल लो बस इतने में निकाल लो। ठीक, केपी कौन सा वाला फॉर्मूला लगे, छोटा वाला। ठीक, आंसर अमित चला लो कैलकुलेटर, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, और आश्चर्य होगा 13 निकल गए यार भाई, इसके लिए क्या कैलकुलेटर चला रहा है। अब हो गई,
अरे सोचना क्या था, इश्यू जब भी इश्यू डेट पार है तो अगर ये केडी होता तो आई वन माइनस टैक्स कर देते, और केपी है तो जो कि वो लिख दो खत्म। हालांकि आप कैलकुलेटर भी चलाओगे तो आंसर 30 नहीं आएगा। चलो तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गए। अब जितना भी आज थोड़ा सा, क्योंकि मुझे कुछ अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट करना फाइनल का, तो एक हल्का सा आइडिया दे दूंगा, मतलब 4:30 तक मैं क्लास ओवर कर दूंगा। अभी है 5 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो लिखोगे अगला, टोटल मिलाकर कितना पॉइंट पड़ा, इसमें कुछ नहीं है यार करने के लिए, केडी हो गया हमारा, केपी हो गया, आगे क्या के, तो लिखोगे के कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें चीजें फिक्स हमको पता रहता है ना यार, क्योंकि डिबेंचर में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर में भी प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स होता है, पर इक्विटी शेयर होल्डर को जब मैंने इक्विटी शेयर इश्यू किया तो क्या चीजें फिक्स रहती है कितना डिविडेंड मिलने वाला, नहीं वो तो पूरा एस्टिमेटेड। तो इसको निकालने के ना तीन तरीके, मतलब तीन अलग अलग मेथड है इसको। तो पहले मेथड का नाम लिख लेते हैं, के ही निकालने, मैंने कहा था इसका क्वेश्चन आता 5 नंबर का, तो इसको अच्छे से करना। एक मेथड का नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसको बोलते हैं CAPM। बताऊंगा ना, बता CAPM, अभी नाम सुना है ना? कोई बात नहीं, सेकंड से डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इसका और भी नाम है, लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तब बात। और थर्ड है अर्निंग प्राइस मॉडल। तो पहला लिखोगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये समझाऊंगा और क्लास ओवर, ताकि आपको कल याद रहे, कल पूछूं CAPM नाम सुना है तो हाँ बोलना। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, और इससे के ही निकालने का एक इक्वेशन है, RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा। और शर्म आना चाहिए, आपकी बात नहीं कर रहा, उन बच्चों की जिन्होंने कैपिटल वेस्टिंग जैसा कुछ चैप्टर पढ़ा। बोलो RF पहली बार सुन रहे हो क्या? नहीं सर, नहीं। क्या रिस्क प्रीमियम पहली बार सुन रहे हो? नहीं। क्या रिस्क इंडेक्स पहली बार सुन रहे हो? नहीं। कहीं सुना है क्या? हाँ। अच्छा CAPM नहीं था माना सर, ये गलत बात है। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं यार।
अभी आश्चर्य की बात सुनो, सुनो मेरी बात कि आप लोगों के साथ समस्या क्या है। मैं आपको आरएम दे देता हूँ, आरएम दे दूंगा, बीटा दे दूंगा और कहूंगा चलो के ही निकालते, और मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा, आप कहोगे अपना काम करो हम निकाल के बता रहे, मतलब कोई सुनेगा ही नहीं मेरी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, यही प्रॉब्लम है। सेंसिटिविटी इंडेक्स कैपिटल बिस्टिंग में उसका नाम रिस्क इंडेक्स है, वो अलग है। नहीं नहीं अभी कुछ नहीं लिखना, ये सब लिखवाऊंगा कर दूंगा। ये कौन है? ये होता रिवीजन राम राम चलो, और राम के पास ना बहुत सारा पैसा रखा हुआ, बहुत पैसा। और ये क्या है? वाह बैंक, ये तो नहीं मालूम है बेटे मार्केट अब ये मार्केट हो गया, सुनते जाना काम की चीज। तो राम के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास दो ऑप्शन है, मार्केट में पैसा जमा करें कि बैंक में जमा करें। बैंक वाले से बोला तो बैंक वाले ने कहा कि सर 6% देंगे भाई, 6% उससे ज्यादा नहीं देंगे। और मार्केट में भी पैसा जमा किया जाता तो, पर मार्केट में दिक्कत क्या है? डेली चेंज होता है, यस फ्लक्चुएशन है। और इधर अगर मार्केट बढ़ा अगले दिन तो क्या बैंक वाला भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा? नहीं, वो तो कहेगा 6 मिलेगा यार, मार्केट से क्या लेना। इसको कुछ नाम देते, इसको बोलते हैं रिस्क फ्री रिस्क नहीं। तो राम चला कहाँ? बैंक, पैसे पाँच गया। सुन लो यार, सुन लो भाई, सुन लो, टाइम नहीं, इतना मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ। तो राम चला 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 तो आवाज आई, आवाज कहाँ से आ रही है? मार्केट से। बोले राम कहाँ जा रहे हैं? राम बोल रहा मैं बैंक जा रहा हूँ पैसे जमा कर। बोले हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ हम देते 6%, क्या राम चला जाएगा? तो क्या बात कर रहे हो, 6 इधर भी मिल रहा, आपके यहाँ पता नहीं 6 पूरा डूब जाए। छोड़ो, फिर आवाज आई, बोलते चलो 8 पे आ जाओ। फिर आगे चला, बोले सुनो सुनो फाइनल अब 10, अब तो आ जाओ। और राम के मन में लालच जागा, कितने परसेंट एक्स्ट्रा मिल रहा है? 4। उसका दोस्त रोका भी कि मत जाओ भाई, डूब जाओगे मार्केट में। बोले चल देगा, रिस्क है पर एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है। कितना परसेंट? 4 कैसे निकाल रहा? ये आवाज कहां से आ रही थी? मार्केट से। इसको आरएम बोल दो, तो आरएम माइनस आरएफ, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? 4। ठीक है, राम पहुंच गया मार्केट। बोले कौन है जो आवाज लगा रहा था? ये कंपनी। मैंने कहा आपका नाम? बोले अदानी पावर। पहले सत्यम होती थी अभी वो डूबी ना, उसके बाद कोई और ना हो, अदानी पावर। बोले ओ हो, आपके यहाँ तो भाई बड़ा दिक्कत चल रहा है। सुनो दिक्कत क्या है? सेंसेक्स, सेंसेक्स नाम सुना है ना? बहुत है। बोले आपके यहाँ दिक्कत है, सेंसेक्स बढ़ा ना तो आपके यहाँ तो यार डबल बढ़ता है, मतलब जितना सेंसेक्स बढ़ता है आपका डबल बढ़ता है, और जितना सेंसेक्स गिरता है डबल गिरता है, मतलब कितना रिस्क है डबल। जितना सेंसेक्स फ्लक्चुएट होता है उससे डबल, इसको क्या बोलते हैं? बीटा। और आपके यहाँ बीटा 2 है। जब आप शेयर मार्केट शेयर ट्रेडिंग, अभी बच्चे हो ना यार, दिक्कत है। जब फाइनल में पहुंचोगे, जब करोगे ना, जब स्क्रीन पे जाओगे सब बीटा बीटा सब लिखा रहेगा, और बीटा का फॉर्मूला भी है। मैं भी उस फॉर्मूले पे नहीं जाना चाहता। यहाँ बीटा कितना है? 2। तो बोले अदानी पावर मैं पैसे लगा सकता हूँ, पर आपके यहां लगाऊंगा तो मुझे रिस्क प्रीमियम का फिर 4% नहीं चाहिए सर। 4% तो मैं मार्केट का सोचा, पर मार्केट जितना फ्लक्चुएट होता है उससे डबल तो आपके यहां फ्लक्चुएट होता है, तो मुझे 4 का डबल चाहिए। कितना चाहिए? 8। मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा आपके यहां अदानी पावर 4 × 2, 8, और 6 तो मुझे चाहिए ही चाहिए। तो कितना चाहिए टोटल? 14%। 14% क्या चीज निकला? कई कैसे हो गया? आप कौन हो? शेयर होल्डर। आपको कितना चाहिए? 14 आपका रिक्वायर्ड, तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 14। भाई आपको जो चाहिए वो मुझे देना है, तो आपके लिए इनकम, तो मेरे लिए क्या होगा? कॉस्ट। इसी को मैं क्या नाम दे रहा हूँ? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसी को आप क्या नाम देते? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अंतर बस थोड़ा सा ही अंतर है।
अगर किसी कंपनी का बीटा वन है, इसका मतलब जितना मार्केट फ्लक्चुएट होता है उतना ही कम, तो यहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा? नहीं, सिर्फ रफली बताओ, ज्यादा आएगा कि कम आएगा? इसमें कम आएगा भाई, रिस्क कम तो रिटर्न भी कम ना यार। और किसी कंपनी का बीटा है 0.6 और कम आएगा। और मालूम है इसको निकालने का तरीका है, जित अब कुछ फॉर्मूला कुछ रेशियो बना सकते हो कि मुझे 2 निकालना है। अगर मार्केट मूवमेंट होता है 10 का, तो अदानी पावर का मूवमेंट होता है 20 का, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? नीचे ऊपर लिखना क्या पड़ेगा? 20, और नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 10। 20/10, 20 का क्या नाम है? 20 क्या लिख रहे थे हम? 20 क्या था? अदानी पावर का चेंज। चेंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लक्चुएशन नहीं, चेंज को और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। वाह समझ आ गया। आएगा आएगा, अभी नहीं, आज झेल नहीं पाओगे। अभी बस मैंने ये शब्द लिखवा रखे हैं, इसका रफली फुल फॉर्म लिखवा देता हूँ और इक्वेशन लिखकर खत्म करते हैं, ठीक है? तो फुल फॉर्म लिखना, सबसे पहले आरएफ का फुल फॉर्म रिस्क फ्री रेट। सर हम तो दोबारा लिख रहे हैं, तो पहली बार में कौन सा याद लिखोगे? आरएफ का मतलब रिस्क फ्री रेट। आरएम का मतलब मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और बी का मतलब बीटा। इसी को क्या बोलते हैं हम? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी शब्द हमने कहां सुना था? और कैपिटल बस्टिंग, उसमें क्या होता था यार सेंसिटिव? उसमें भी ऐसे करते थे ना कि अगर अनफेवरेबल डायरेक्शन में चेंज होगा कोई भी चीज, तो उससे एनपीवी कितना चेंज, वही तो निकाल रहे थे। तो बोलते हैं सेंसिटिविटी इंडेक्स। और आर एम माइनस आर एफ को, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट रिस्क प्रीमियम। कल क्लास आते ही पहले हम इसके एग्जांपल्स करेंगे बहुत सारा, मतलब कल हम कॉस्ट ऑफ कल खत्म हो जाएगा, फिर परसों से हम डब्ल्यूसीसी पे आ जाएंगे, फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगा बस, ठीक है? आज थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, बाकी कल से रेगुलर।